हेलो एवरीवन, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 6 का फिफ्थ पार्ट। इसके अंदर भी आपको यूजिंग आइडेंटिटीज इसको सोल्व करना है। तो आइडेंटिटी का यूज़ तभी हो सकता है जब इसको ब्रेक करेंगे हम। तो इसको सबसे इजी वे में कैसे ब्रेक हो सकता है ये? यस, 5 + 0.2 में हो सकता है, क्योंकि 5 + 0.2 करेंगे तो 5.2 आएगा। तो इसमें ये बड़ा ईजिली हो रहा है सोल्व, ठीक है ना? 5 + 0.2 का स्क्वेयर। तो कौन सी आइडेंटिटी लगेगी इसमें बताओ? a + b का होल स्क्वेयर। तो वही लगा देंगे हम, क्या आएगा? a + b का होल स्क्वेयर, दैट इज a² + b² + 2ab। तो ए स्क्वेयर मतलब 5 का स्क्वेयर + 0.2 का स्क्वेयर + 2 × 5 × 0.2। तो 5 5 = 25 + 0.2 का स्क्वेयर, मतलब 0.2 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.2 से। सिखाया हुआ है मैंने पॉइंट्स में कैसे, 2 2 = 4 0, और ये 0 0, कितना आया? 0 0 4। इधर से एक पॉइंट, इधर से एक पॉइंट, टोटल कितने? 2 पॉइंट, तो 0.04, तो 0.04 आया, ठीक है? नाउ ये कैसे होगा? 0.2 को 5 से कर दो जरा पहले। 0.2 को 5, 5 2 = 10, ये आ गया 5 0 0 हो गया। और ये कितना, एक पॉइंट छोड़ के है, तो ये एक पॉइंट छोड़ के ही लगेगी यहाँ पर, 1 आ गया, ठीक है? 1.0, और 1.0 को किससे मल्टीप्लाई करना है? 2 से। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आएगा? 2 0 0 2 1 2, कितना पॉइंट छोड़ के? तो ये 2 ही मान लेते हैं हम, इसको कितना आ रहा है, ये 2.0 या 2, एक ही बात है। समझ गए हो कैसे किया है, ठीक है ना? देखो, 0.2 को 5 से किया, 5 2 = 10 10, और ये एक पॉइंट छोड़ के था, तो एक पॉइंट छोड़ के मतलब एक पॉइंट छोड़ के मतलब एक नंबर छोड़ के पॉइंट था ना, तो यहाँ पर भी हमने एक नंबर छोड़ के पॉइंट लगा दिया, पॉइंट आया, ठीक है? और 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 0 2 1, ये आ गया हमारे पास, क्लियर? अब ये देखो, अगर इसको हम सोल्व करें आगे तो कितना आ जाएगा ये हमारे पास? देखो यहाँ पर करता हूँ मैं, 25 में 2.0 ऐड किया और 0.04। हमेशा जब एडिशन होती है तो जो बिना पॉइंट वाले नंबर हैं उनको इधर रखेंगे हम, और पॉइंट्स वालों को एक साइड रखना। ऐसा नहीं कि 25 के नीचे मैं 0.4 लिख देता और फिर ऐड कर देता, नहीं, पॉइंट के नीचे पॉइंट, क्योंकि जब ये सिंगल टर्म होती है ना तो इसका मतलब ही क्या होता है, आगे 0 ही होगा, ठीक है? तो ये 0.4 और ये कितना आ गया? 27। तो ये आंसर आ गया आपके पास, 27.04 इसका आंसर। क्लियर? ओके, थैंक यू।